हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो आई एम बैक हियर अगेन विद अनदर वीडियो एंड टॉपिक ऑफ वीडियो टुडे इज कतार एयरवेज फोटो सबमिशन बेसिकली बहुत सारे लोगों के पास एक ईमेल आया है जो कि है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है कतार एयरवेज के सोनरू इंटरव्यू के लिए बट उसके पहले आपको एक फोटो सबमिट करना है जो कि है आपका फुल साइज फोटो तो मैं आपको बता देती हूं ईमेल कुछ ऐसा दिखता है एंड इस ईमेल में बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकली मेंशन है जो आपको फॉलो करनी ही है बट स्टिल मैं आपकी थोड़ी सी और हेल्प कर देती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको फोटो सबमिट कैसे करना है सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इस ईमेल में लिखा है As part of your application process, please upload a recent full length photograph and passport size photograph within 48 hours in link below. बेसिकली आपको ये जो लिंक प्रोवाइड की गई है उसमें आपको अपना फुल साइज और पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करना है 48 एट आवर्स के अंदर कुछ नहीं करना है बस ये जो लिंक है इस पे क्लिक करना है और फोटो अपलोड करना है बट अपलोड करने से पहले खिंचवाना भी तो पड़ेगा राइट right? एंड इस ईमेल में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप फोटो क्लिक कराएंगे एंड अपना बेस्ट फोटो यहाँ पे सबमिट करेंगे सो so, अब हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे फर्स्ट स्टैंड स्ट्रेट फेस फॉरवर्ड एंड लुक इन टू द कैमरा बेसिकली वो ये बोल रहे हैं की आपको स्ट्रेट खड़े होना है फेस कैमरा की तरफ और आपको सीधा देखना है पॉइंट नंबर टू क्लिक द फोटो ऑन योर लेवल नॉट फ्रॉम अ हायर और लोअर लेवल दैट मीन्स जो फोटोग्राफर है आपको उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन देने हैं कि भैया बहुत नीचे से या बहुत ऊपर से फोटो नहीं लेना है फोटो आपको मेरे आई साइट के लेवल पे लेना है मतलब कि जहां आपकी आंखें हैं वहीं कैमरा होना चाहिए और उस लेवल से फोटोग्राफर को आपकी पूरी फोटो लेनी है पॉइंट नंबर थ्री बिजनेस स्लैश स्मार्ट कैजुअल अटायर दैट मीन्स की जो भी फोटो आप सबमिट कर रहे हैं उसमें आप बिजनेस या स्मार्ट कैजुअल भी पहन सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट की बिजनेस अटायर ही पहने बिकॉज दैट विल लुक मोर प्रोफेशनल एंड मोर लाइक कैब इन ग्रो यू नो पॉइंट नंबर फोर एन्श्योर गुड लाइटिंग टू अवॉइड शैडो बेसिकली वो बस इतना बोल रहे हैं कि अच्छी लाइटिंग में फोटो खिंचवाना ऐसा नहीं हो कि पीछे शैडो आए या आपकी फोटो अच्छी ना आए होल बॉडीबल इन दिक्चर बेसिकली आपकी फुल बॉडी उस फोटोग्राफ में विजिबल होने चाहिए दैट मीन्स जो आपने कपड़े पहने हैं उसे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी कवर रहेगी बट जो पार्ट विजिबल हो सकते हैं जैसे की आपके हैंड्स एंड आपके थोड़े से पैर एंड ऑल्सो योर इयर्स सब कुछ विजिबल होना चाहिए उस फोटो में दैट मीन्स आपका ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट जो आपके क्लोथ के अंदर नहीं है वो उनको क्लियरली दिखना चाहिए पॉइंट नंबर सिक्स फोटोग्राफ मस्ट बी क्लियर विथ गुड रेजोल्यूशन दैट मीन्स कि जो भी आपकी फोटोग्राफ है उसके पिक्सल्स अच्छे होने चाहिए ऐसा नहीं हो कि पिक्सल्स फटे हों या फोटोग्राफ ब्लर हो या उनको वो इमेज क्लियरली नहीं मिले तो मेक श्योर sure कि आप हाई क्वालिटी फोटोग्राफ क्लिक कराएं सेवेंथ पॉइंट फॉर फीमेल एप्लीकेट्स हेयर शुड बी नीटली टाइट बेसिकली वो सारी फीमेल को बोल रहे हैं कि प्लीज अपने बालों को अच्छे से बांधना तो अगेन द रीजन इज सेम दे वॉन्ट टू सी योर ईयर एंड योर फुल ब्यूटिफुल स्मल एंड दैट इज ऑल्सो द लास्ट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ द अबव प्लीज रिमेम्बर टू स्माइल यू हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन वेरी वेल बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड समिप्स और इसमें से कुछ प्वाइंट मेरे फ्रेंड एक्स कैबिन क्रू जूलिया ने मुझे खुद दिए है जो की कटार एयरवेज में टेन ईयर्स तक जॉब कर रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि यार प्लीज मेरी हेल्प करो एंड शी हेल्प मी एंड शी गेव मी दीज टिप्स नाउ आई एम गोइंग टू गिव दीज टिप्स टू यू सो दैट यू कैन गेट अ परफेक्ट क्लिक सो so, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अटायर की कई मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग अ बिजनेस अटायर दैट मीन्स यू आर वेरिंग अ नाइस फॉर्मल शर्ट विद अ ब्लेजर ऑन एंड अ स्कर्ट बट प्लीज मेक श्योर जो आपकी स्कर्ट है वो ज्यादा छोटी नहीं हो वो आपकी नी लेंथ पे हो यानी कि आपके घुटने तक एटलीस्ट टच करे एंड प्लीज वेयर नाइस फॉर्मल क्लोज टो शूज दैट शुड बी ब्लैक इन कलर And beside that, do not forget to wear your watch and your pearl earrings to look more professional. And also, if I'm going to talk about grooming, yes, you should be well groomed. Please do very nice, neat, and clean makeup and tie your hair back so that you look more smart and more professional. And about your smile, guys, please smile confidently and beautifully. And also, do not forget to show your teeth. प्लीज फेक स्माइल नहीं करें या ऐसी स्माइल नहीं करे जिसको देख के लगे कि ये एक्टिंग कर रही है ओरिजिनल स्माइल करें ऑथेंटिक स्माइल करें एंड ऐसी स्माइल करें जैसे कि आप क्रू ही हैं और अब आप अपने पैसेंजर को ग्रीट करने वाले हैं ऑल्सो यू हैव टू कीप योर हैंड स्ट्रेट एंड योर हैंड शुड बी फेसिंग टू योर स्कर्ट एक छोटी सी टिप मैं पर्सनली दूंगी कि प्लीज रेडी होने के पहले कतार एयरवेज की किसी भी कैबिन क्रू की फोटो देख लेना जैसा उन्होंने मेकअप किया है कोशिश करना वैसा ही मेकअप करने की थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक एंड थोड़ा सा ग्लिटर आंखों पे नाइस ब्लशर एंड नाइस स्माइल विल मेक योर फोटो वर्थ इट सो गाइज वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको मेरी फोटो दिखा देती हूँ जो दिखती है ऐसी एंड आई वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी जस्ट इनकेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करना एंड उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन या डाउट हो तो आप बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन को यूज करें कॉमेंट्स करें एंड आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू ईच वन ऑफ यू एंड सेट फ्रॉम माई साइड गाइज